आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला राजमा की रेसिपी। इसके लिए हमने कुकर में ऑयल ले लिया है, सरसों का ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम। इसमें ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा जब तक गर्म हो रहा है जब तक हम इसमें डालने के लिए मसाले ले लेते हैं। हमने बड़ी इलायची, दो तेज़पत्ते और ज़ीरा ले लिया है, इसको डाल देंगे इसमें। इसको भूनने देंगे, उसके बाद प्याज का पेस्ट डाल देंगे इसमें। इसको भून लेंगे अच्छे से, हमें मीडियम फ्लेम पर मसाले भूनने हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है मैंने, दो चम्मच हम ये डाल देंगे इसमें। इसमें सारा काम मसालों का होता है। अगर मसाले आपके अच्छे से भुने होंगे तो सब्ज़ी में अपने आप टेस्ट अच्छा आ जाएगा। आपको मीडियम फ्लेम पे मसाले अच्छे से भुनने हैं। हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, इसको भी भुनेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर लगातार हमको भुनना है। मसाला हमारा भुन रहा है। उसके बाद हमने टमाटर की प्यूरी बना के तैयार करी थी, ये डाल देंगे। इसको भी भूनेंगे फिर आराम से। हमें टमाटर चॉप करके नहीं डालने हैं इसमें, ऐसी प्यूरी बना के डालनी है। कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए दो चम्मच। धनिया पाउडर ले लिया है, ये डाल देंगे। और थोड़ी सी हल्दी ले ली है, ये भी डाल देंगे। और अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल सकते हो इसमें। अब इन सभी मसालों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे आराम से भूनेंगे। बहुत से लोगों के घर में ये मसाला अलग से बना के और राजमा जो बॉईल करते हैं उसमें डालते हैं, लेकिन मैं इसको मतलब मसाला तैयार करके और फिर राजमा इसी में हम बॉईल करेंगे, इस तरह से बनाने जा रही हूँ। तो राजमा मैंने रात भर भिगो के रख दिए थे पानी में, अच्छे से मेरे भीग चुके हैं। अब इसको मैंने दो तीन बार पानी से धो लिया है। अब इसको इसमें डाल देंगे। ये इसको इस राजमा को चित्रा राजमा कहते हैं। ये राजमा ना बॉईल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, जो रेड वाली राजमा होती है वो बॉईल होने में बहुत टाइम लगाती है। इसका टेस्ट भी अलग होता है कुछ। इस मसालों में 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको राजमा को भून लेंगे, जब तक इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। अब इसमें पानी डाल देंगे, जितना हमको पानी चाहिए। इसको मिला लेंगे, हमने पानी डाल के तैयार कर लिया। अब इसको प्रेशर कुक कर लेंगे, ढक्कन बंद कर देंगे इसका। और इसको मीडियम एक फर्स्ट विसल इस पर लगानी है हाई फ्लेम पे, उसके बाद मीडियम फ्लेम कर देनी है इसकी 15 मिनट के लिए। 15 मिनटों के बाद इसको हम खोल के देखेंगे तो हमारी राजमा बन के तैयार है। अच्छे से हमारी कुक हो चुकी है, आप देख सकते हो। लेकिन मुझे ये थोड़ी ठीक लग रही थी तो मैं इसमें थोड़ा पानी मिक्स करूँगी। अभी पानी मैं लेकिन बॉईल करके और इसमें फिर यूज़ करूँगी, नहीं तो हमारा पानी और जो सब्ज़ी की ग्रेवी है वो अलग अलग हो जाती है। इसलिए पानी हमेशा जब भी यूज़ करें किसी सब्ज़ी में तो आप पानी को बॉईल करके ही यूज़ करें, इससे आपकी सब्ज़ी का टेस्ट भी अलग नहीं होगा। धनिया डाल देंगे इसमें कटा हुआ, कस्तूरी मेथी का पाउडर बना के डाल दिया है इसमें, हल्का सा रोस्ट करके। गरम मसाला डाल देंगे इसमें। कस्तूरी मेथी इसमें हम लास्ट में यूज़ करेंगे, क्योंकि हम पहले यूज़ कर लेंगे तो सब्ज़ी में कड़वाहट आ जाती है। और कस्तूरी मेथी का इस्तेमाल बहुत ही थोड़ा सा करना है हमें, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है हमें इसमें। राजमा हमारी बन चुकी है, आप देख सकते हो इसकी ग्रेवी। मेरे को हल्की सी पतली ग्रेवी चाहिए थी क्योंकि हम इसको चावल के साथ खाने वाले हैं। अगर आपको रोटी के संग खानी है तो इसको आप गाढ़ा भी आप अपने हिसाब से खा सकते हो, जितनी आपको चाहिए। आप सब देखें मेरी राजमा बन के तैयार है और कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अच्छा, वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि राजमा हो गई, कढ़ी हो गई, छोले हो गई, ये एक दिन बासी अच्छे लगते हैं और ज़्यादा टेस्ट। अगर आपको भी ऐसे लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी राजमा बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करना ना।